أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today our topic is relative clause. What is relative clause? A relative clause is a part of sentence which tells us which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. In other words, a relative clause gives us extra information about the subject or object. Yani relative clause ka matlab ye hai ki isme ye hame batata hai कि विच पर्सन आर थिंग, यानी कौन सा शख्स या कौन सी चीज़, या व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर थिंग, या किस किस्म का शख्स या किस किस्म की चीज़ जिसके बारे में यानी जिसका मतलब यानी स्पीकर को होता है. यानी रिलेटिव क्लॉज हमें ये बताता है कि स्पीकर का जो मतलब इसमें होता है कि ये कौन सा शख्स या कौन सी चीज़ है या किस किस्म का शख्स या किस किस्म का चीज़ है. या दूसरे लफ्ज़ों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट, ए रिलेटिव क्लॉज गिव्स अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. या दूसरे अल्फाज में हम ये भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि रिलेटिव क्लॉज हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में. तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउन्स यानी प्रोनाउन्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन्स. यानी दो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन्स कहते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में यानी जोड़ देते हैं, यानी जॉइन करते हैं. एवरी रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द नाउन आर प्रोनाउन गोइंग बिफोर, यानी हर एक जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो यानी इससे इसके यानी पहले या तो नाउन होता है या रेफर्स टू द नाउन आर प्रोनाउन, या प्रोनाउन इसके यानी इसका ताल्लुक प्रोनाउन से होता है जो इससे पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन. मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. द बॉयज़ हु आर प्लेइंग देयर आर द स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास. यहाँ पर जो बॉयज़ है ये नाउन है, तो रिलेटिव जो प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल हु है, तो यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर नाउन का यहाँ पर यानी ये रेफर करता है इस यानी द बॉयज़ से, यानी इसका यहाँ पर ताल्लुक इन बॉयज़ के साथ है. तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ रेफर करता है यानी इसके बिफोर यहाँ पर नाउन बॉयज़ है. तो इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में ही इज़ द मैन होम आई गेव द बुक, तो यहाँ पर नाउन मैन है, तो इसके यानी इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है यानी होम, तो यहाँ पर होम रिलेट करता है नाउन मैन के साथ. इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में शी इज़ द गर्ल हुज पेन वाज स्टोलन, तो यहाँ पर जो गर्ल है, गर्ल नाउन है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हुज यानी बिफोर दिस रिलेटिव प्रोनाउन इज़ नाउन गर्ल. इसी तरह से यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक, तो यहाँ पर प्रोनाउन का सपोज यू जो यहाँ पर यानी प्रोनाउन सेकंड पर्सन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो पेन विच यू पेन यहाँ पर
यानी थिंग का, यानी जी यहाँ पर थिंग का इस्तेमाल हुआ है, तो विच यानी ये नाउन है पेन, तो यहाँ पर विच जो रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो यानी ये रूल यानी ये यहाँ पर रेफर करता है पेन के साथ विच यू लाइक। इसी तरह से ही हैज़ कट डाउन द ट्री दैट ग्रीव इन योर फील्ड, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर ट्री यानी दैट का यहाँ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, तो जो रेफर करता है यहाँ पर यानी किसके साथ, यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है ही। इसी तरह से रिलेटिव क्लास और एडजेक्टिव क्लास बिगनिंग विथ रिलेटिव प्रोनाउन्स, रिलेटिव क्लास या जो जिसको एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं, तो ये शुरू होता है यानी यानी शुरू होता है बिगनिंग विद द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से ये शुरू होता है। इन ऑर्डर टू ज्वाइन रिलेटिव क्लास विथ इट्स प्रिंसिपल क्लास द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड, यानी रिलेटिव यानी रिलेटिव क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ ज्वाइन करने के लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो यानी आपको जहन नशीन रखने होंगे कि यानी दो सेंटेंस को यानी रिलेटिव क्लास को यानी प्रिंसिपल क्लास के साथ ज्वाइन करने के लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन्स में हु, होम, हूज, दैट, विच, एज, बट, यानी फिर से रिपीट करते हैं, दीज प्रोनाउन्स यानी दीज रिलेटिव प्रोनाउन्स वो यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस हु, होम, हूज, दैट, विच, एज, बट। इसी तरह से बी रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वायर, वाई, तो इनकी एग्जांपल्स है, सपोज यहाँ पर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हम अगर हम पर्सनस की बात करते हैं, जब पर्सनस तो हम उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, दैट, होम, हूज, ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं पर्सनस के लिए। इसी तरह से फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए हम विच, दैट, हूज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्लेसेस के लिए हम वायर इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए हम व्हेन इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से रीज़न के लिए वाई, व्हाट, व्हाट एट्सेट्रा, इनका हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ अब हम रिलेटिव प्रोनाउन्स जो हमने यहाँ पर मैंने आपको बताई कि हु, होम, हूज, दैट, विच, एज, बट, तो इनकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, द बॉयज़ हु आर प्लेइंग देयर आर माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु यानी इस्तेमाल हुआ है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु की यहाँ पर एग्जांपल है, द बॉयज़ हु आर प्लेइंग देयर आर माई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये रेफर करता है नाउन बॉयज़ के साथ, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु यानी हम इस्तेमाल करें हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह से ही इज़ द मैन होम आई गेव माई बुक, इसी तरह से होम की एग्जांपल है, ये मैन यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर रिलेटिव क्लास होम का हमने इस्तेमाल किया है, ही इज़ द मैन होम आई गेव माई बुक। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है हूज की, शी इज़ द गर्ल हूज पर्स वाज स्टोलन, शी इज़ द गर्ल हूज पर्स वाज स्टोलन, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हूज का इस्तेमाल हुआ है, यानी नाउन गर्ल इसके बिफोर है, नाउन गर्ल। यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक, तो यहाँ पर विच प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, यानी विच की ये एग्जांपल है, यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक। इसी तरह से ही हैज़ कट डाउन द ट्री दैट ग्रीव इन योर फील्ड, तो ये यानी दैट की एग्जांपल है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट की। तो इसी तरह से जो बी में जो रिलेटिव एडवर्ब्स हैं व्हेन, वायर, वाई, तो इनकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, ही सॉ द हाउस
वायर ही वॉज बॉर्न, तो ये वायर की यहाँ पर एग्जाम्पल है। ही सादा हाउस वायर ही वॉज बॉर्न, तो ये वायर यानी रिलेटिव एडवर्ब की एग्जाम्पल है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल, ही मेट मी ऑन द डे व्हेन आई वॉज लीविंग फॉर मुंबई। ही मेट मी ऑन द डे व्हेन आई वॉज लीविंग फॉर मुंबई, तो यहाँ पर ये जो है रिलेटिव एडवर्ब व्हेन की एग्जाम्पल है। इसी तरह से आई टोल्ड हर द रीज़न वाई शी हैड फेल्ड, आई टोल्ड हर द रीज़न वाई शी हैड फेल्ड, वाई शी हैड फेल्ड, तो ये यानी वाई की यानी यहाँ पर एग्जाम्पल है रिलेटिव एडवर्ब वाई की एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से हु होम एंड हुज आर यूज्ड फॉर पर्सनस, हु होम ओ होम एंड हुज, इनको हम पर्सनस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, तो यहाँ पर ये पर्सन की यानी पर्सन को रेफर करता है, तो यहाँ पर हमने हु का इस्तेमाल इसमें किया है, ही हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। इसी तरह से शी इज़ द गर्ल होम आई गेव माई बुक, इसी तरह से यहाँ पर भी पर्सन गर्ल है, तो यहाँ पर होम का इस्तेमाल हुआ है, होम यानी किया गया किया है, शी इज़ द गर्ल होम आई गेव माई बुक। थर्ड एग्जाम्पल, देयर स्टैंड इज द बॉय हुज पर्स हैज़ बीन स्टोलन, यानी ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, यानी हुज इस्तेमाल हुआ है यानी पर्सन बॉय के लिए, तो यानी पर्सनस के लिए हम होम हुज हु यानी इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आजकल नवाडेज हुज इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स आल्सो, यानी आजकल हुज को एनिमल्स और बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ड्रा ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल जो हैं ये लाइफलेस थिंग है, तो यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल हुआ है हुज यानी रिलेटिव प्रोनाउन हुज का। इसी तरह से दिस इज़ द हाउस हुज ओनर हैज़ डाइड, तो यहाँ पर जो हाउस है ये लाइफलेस थिंग है, तो इसके लिए यहाँ पर हुज यानी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो दिस इज़ द हाउस हुज ओनर हैज़ डाइड। विच इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स, विच तो हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या लाइफलेस थिंग्स के लिए। मिसाल के तौर पर द डॉग विच बाइट हिम हैज़ बीन किल्ड, तो यानी यहाँ पर यानी डॉग एनिमल है, तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज़ द वॉच विच आई वॉन्टेड टू बाई, तो वॉच जो यहाँ पर है ये लाइफलेस थिंग है, तो इसके लिए यानी रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल हुआ है, यानी विच हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए और लाइफलेस थिंग्स के लिए। ये दो एग्जांपल्स थी, पहले तो यहाँ पर यानी एनिमल की एग्जांपल यानी डॉग, द डॉग विच बिट हिम हैज़ बीन किल्ड, इसी तरह से ये यहाँ पर जो लाइफलेस थिंग वॉच है, दिस इज़ द वॉच विच आई वॉन्टेड टू बाय, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल यानी हुआ है। That can be used for pronouns, persons, that can be used for persons, animals and lifeless things also. That को हम इस्तेमाल करते हैं यानी persons के लिए, animals के लिए भी और lifeless things के लिए भी। Suppose यहाँ पर मिसाल कुछ examples हैं, happy is the man that या who हम इस्तेमाल करते हैं, That is honest,
या हु इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर हम दोनों इस्तेमाल कर सकें, दैट या हु। इसी तरह से दिस इज़ द हाउस, तो यहाँ पर ये पर्सन की बात हुई है ऊपर की एग्जांपल में। अब यहाँ पर लाइफलेस थिंग, दिस इज़ द हाउस दैट विच आई वांटेड टू बाय, तो लाइफलेस थिंग्स के लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका यानी दैट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का दैट या विच। इसी तरह से द मैन दैट होम वी वायर लुकिंग फॉर हैज़ अराइवल, द मैन दैट होम, तो यहाँ पर हम दैट या होम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पर्सन के लिए, मैन के लिए, यानी दैट या होम भी लिख सकते हैं, तो दैट दैट आर होम वी वायर लुकिंग फॉर द लुकिंग फॉर हैज़ अराइवल। तो ये थी रिलेटिव यानी क्लाज की यानी कि कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो सिंपली जो रिलेटिव क्लाज होता है तो हम यही याद रखेंगे कि रिलेटिव क्लाज हमें बताता है यानी स्पीकर यानी क्या मीन करता है, यानी यानी थिंग्स क्या, यानी ये किस किस्म का चीज़ है या किस किस्म का शख्स है या ये कौन सा पर्सन या कौन सी चीज़ है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी रिलेटिव क्लाज। तो इसी तरह से हम यानी सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हम किसको कहते हैं, यानी प्रोनाउंस दैट आर यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस, यानी ये प्रोनाउंस होते हैं जिनसे हम दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं। तो इनका ताल्लुक होता है यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस के का ये रेफर करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। तो ये यानी इनके यानी पहले यानी नाउन या प्रोनाउन यानी होता है। तो इसके बाद इसकी कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं। तो इंशाल्लाह रहमान कल इंशाल्लाह हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे, फिर हम उन सेंटेंसेस को यानी जॉइन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए। तो उनमें हम तमाम वो एग्जांपल्स लेंगे कि यानी पर्सनस के लिए या एनिमल्स के लिए या प्लेस या टाइम या रीज़न वगैरह के लिए हम कहाँ पर कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो वो एग्जांपल्स हम कल उठाएंगे कल के क्लास में, तो उनको हम जॉइन कल करेंगे इन प्रोना यानी रिलेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए। तो इंशाल्लाह कल आपको मज़ीद इसमें अगर कोई आज कोई खामी रही होगी तो कल इंशाल्लाह आपको सही अच्छी तरह से ये यानी ये समझ में आएगा। तो तब तक के लिए अगली क्लास के तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, यानी खुदा हाफिज़ बाकी वसलाम।